हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये लाभ हानि का सेकेंड पार्ट है, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी की एग्ज़ाम्स, इसके साथ साथ यूपीएसआई को भी हमने कवर किया है। ठीक है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई कंप्लीट। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से हम पढ़ रहे हैं। इसमें पहला पार्ट बिल्कुल बेसिक पार्ट था, ठीक है, जिसके अंदर हमने बेसिक क्वेश्चन आपको कंसेप्ट के साथ बताए हैं। इस वीडियो के अंदर भी उसी का बेसिक कंसेप्ट से थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे और आप उसके बाद वहाँ पे आप अपने मैथ्स के डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व कीजिए। मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इसको सोल्व करते हैं जल्दी से। देखिए, इसके अंदर इतने सारे टाइप्स हैं कि हम अगर एक 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 टाइप्स लेंगे ना तो बहुत समय लगता है। ठीक है, तो मैं इसको बेसिक्स तो इसके दो या तीन पार्ट में कवर करा दूंगा, मतलब जो बेसिक चीज़ें हम सीख रहे हैं ये। और बेसिक सीखने का कोई रटने वाली प्रोसेस नहीं है। ठीक है, जो चीज़ गिवन है ना, हम उसी को सॉल्व करते जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सर, ये चैप्टर में हर एक अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग ट्रिक्स आपने बताई है, तो उनको हम याद कैसे रखें? तो देखो, मैथ्स याद नहीं रखा जाता, मुझे कोई याद नहीं रहती है। मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो सरल होता है उस प्रश्न को करने के लिए। ठीक है, तो वो कोई ट्रिक अलग से रटने वाली चीज़ नहीं है। जब मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ ना, वो अपने दिमाग से तो नहीं कर रहा हूँ ना, जो प्रश्न में बोला है वही कर रहा हूँ बस। ठीक है, देखो ये सवाल देखना, किसी वस्तु को 10% लाभ पे बेचा जाता है। तो मैंने मान लिया कि मैंने वस्तु 100 रुपये में खरीदी है। ठीक है, उसको 10% लाभ पे बेचा, इसका मतलब मैंने कितने में बेचा? 110 में। ठीक है, ये हो गई सेलिंग प्राइस। अब ये बोल रहा है यदि उसे दोगुना मूल्य में बेचा जाए, मतलब 110 पे न बेच करके उसको दुगने मूल्य पे बेचे, तो कितने में बेचेंगे? 110 का डबल 220 में। अगर हम 110 की बजाय उसको 220 में बेचें तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 220 रुपये। तो ये बोल रहा है लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो, 100 की चीज़ 220 में बेचेंगे तो 120 का लाभ होगा कि नहीं होगा? और 120 का लाभ 100 पे, तो 100 कितना? तो 120% आंसर। अरे, 120 रुपये का लाभ क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना? 100, तो 100% कितना होगा? कट गया इसे, 120% सीधा आंसर। ठीक है ना, चलो। अब मैंने है ना एक टाइप के एक ही क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि अपने जो 7-8 टाइप्स होते हैं इसके अंदर, वो 7-8 क्वेश्चंस में कंप्लीट हो जाए उसके बाद। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि कम से कम इसके तो 5 से 6 या 7 पार्ट बनेंगे इस प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, जिसके अंदर मैं पूरा डिस्काउंट भी आपके इसमें शामिल कर लूँगा। ठीक है, डिस्काउंट के लिए भी, हालांकि अभी पहले तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी और बचे कंसेप्ट है वो करा देता हूँ, उसके बाद हाँ इसमें डिसऑनेस्ट वाले, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँगा जो चीज़ें बचती है इस वीडियो के बाद। एक दुकानदार अपने वस्तु का विक्रय मूल्य अपने मूल विक्रय मूल्य का 3 गुना कर लेता है, तो ठीक है, यदि उसे पहले 5% लाभ होता था तो अब उसे कितना लाभ होगा? देखो, मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की थी, तो उसको पहले कितने रुपए का लाभ हो रहा था? 105 का। मतलब 100 की वस्तु जब मैं 105 में बेचूंगा तभी 5% का लाभ होगा ना। ठीक है, लेकिन ये पहली लाइन क्या बोल रहा है कि यदि दुकानदार अपने वस्तु का जो विक्रय मूल्य है अपने मूल विक्रय मूल्य का 3 गुना कर ले, जो भी नया विक्रय मूल्य होगा वो इस मूल विक्रय मूल्य का 3 गुना कर ले, तो कितना लाभ होगा? तो नया सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा? 105 का 3 गुना, 3 × 3 = 3, 5 = 15, 315 हो गया। मतलब 100 की चीज़ अब मैं 315 में बेचूंगा तो 215% का प्रॉफिट है। अरे, 100 की चीज़ 315 में बेचूंगा तो 215 का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना है? 100 पे, तो 100% निकाल लो आप, इतना ही होगा, 215%। तो ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है ना, चलो। एक वस्तु को 570 में बेचने पर एक दुकानदार को 5% की हानि होती है। 570 में क्या कर रहा है? बेच रहा है। मैंने मान लिया वस्तु को कितने में ख़रीदा? 100 रुपये में। ठीक है, 100 रुपये में ख़रीदा, वो बोल रहा है 570 में बेच रहा है, तो 570 में बेच रहा है तो उसको 5% की हानि हुई। इसका मतलब मैं 100 रुपये में कोई चीज़ लेके आया और उसको 5 रुपये कम में बेच दिया 95 में, तो हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस हो गई 95, वो बोल रहा है 570 है। ठीक है, तो 570 हो गया 95 की वैल्यू। तो अगर मुझे 5% का लाभ कमाना है तो वस्तु का दाम कितना होना चाहिए? तो देखो, अगर 5% का लाभ कब होगा? जब मैं 100 की चीज़ को 105 में बेचूं, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस ये होना चाहिए, तभी मेरे को 5% का लाभ होगा। तो यही तो पूछ रहा है कि 105 की वैल्यू बताओ आप, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, सॉल्व करना आपको आता है ना। देखो, ये कटेगा 19×95, ठीक है, और 5 से 21×5 105।
अब इसके अलावा ये 19 तिया 57, 30 बचा, तो 21 तिया कितना आ गया 63, 630। तो उस वस्तु का दाम 630 रुपये होगा ना, तभी मेरे को 5% का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा आंसर यहाँ पे। अब देखो इस तरह के सवालों में एक चीज़ और पूछता है वो कि 5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का दाम कितना बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाएं कि 5% का लाभ हो। तो देखो ये तो हमारी सेलिंग प्राइस आई, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है वो तो 100% था, ठीक है। लेकिन 570 की चीज़ में बेच रहा हूँ, अगर मेरे को 630 रुपये अगर हमें इसका चाहिए, ठीक है, नया वाला सेलिंग प्राइस, तो मेरे को बढ़ाना कितना पड़ेगा। तो देखो 570 से 630 करना है, इसका मतलब 30 उधर 30 इधर, मतलब 60 बढ़ाना पड़ेगा। अरे 630 में से 570 घटा दो, तो पहले सेलिंग प्राइस 570 था, अभी मेरे को 630 करना है, तो 60 बढ़ाना पड़ेगा। और ये पूछ ले कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो 60 बढ़ाना पड़ेगा मुझको विक्रय मूल्य पे 570 पे, क्योंकि सेलिंग प्राइस पहले ये थी ना, तो जिससे बढ़ाएंगे वो नीचे, तो 60 बढ़ाना पड़ेगा 570 से, तो 100% कितना होगा, बस इसको सोल्व कर लेना तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न इस तरीके से आता है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब चलो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार ये अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 25% है। तो विक्रय मूल्य का अगर 25% है तो यहाँ पे दो चीज़ समझना, एक तो प्रॉफिट दिया हुआ है और एक सेलिंग प्राइस दी हुई है, ठीक है। ये बोल रहा है कि लाभ जो है वो उसके विक्रय मूल्य का 25% है। विक्रय मूल्य को मैंने मान लिया 100 रुपये है, तो 100 का 25% 25 रुपये हो गया। मतलब अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में बेची तो मेरे को 25 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब मैंने खरीदा विक्रय मूल्य से 25 रुपये कम में है, मतलब 75 में है। समझ में आया कि नहीं आया? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस बराबर SP माइनस प्रॉफिट। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो बात तो वही है ना, इसमें प्रॉफिट को मैंने उठा के इधर पहुंचा दिया तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। यही तो करा मैंने, क्या करा, इसको प्रॉफिट को उठा करके इधर फेंक दिया, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी? कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अरे ऐसे ही तो पता है ना आपको, ये रटने वाले फार्मूला थोड़ी बता रहा हूँ मैं आपको, आपको तो पता चलना चाहिए ना ऐसे कि 75 कैसे आया। तो 100 रुपये में अगर मैंने कोई चीज़ बेची तो मेरे को 25 का लाभ हुआ, इसका मतलब मैंने 75 में खरीदी होगी उसको, या 100 में से 25 घटा दो आप 75, ठीक है। तो बस ये बोल रहा है कि वास्तविक लाभ परसेंट बताओ, मतलब मैंने 25 रुपये का लाभ हुआ मेरे को क्रय मूल्य पे 75 पे, तो 1/3% लाभ हो गया, 1/3 मतलब 33.33। अरे 25 का लाभ हुआ 75 पे, तो 100% कितना होगा? तो देखो 1/3 हो गया, ये 1/3 कितना होता है 33.33%, 100 में 3 का भाग दे दो, ठीक है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 12% के लाभ पे बेच देता है, वह 18 रुपये अधिक में बेचता है तो 18% का लाभ होता है। सिंपल प्रश्न है, 300 आंसर इसका, ठीक है। कैसे होगा देखो, देख के ही बता दिया, आप भी बता दोगे देख के, पहले समझ लो इसके बारे में चीज़ें, ठीक है। देखो ये बोल रहा है, मान लो मैंने कोई वस्तु खरीद ली 100 रुपये में, ठीक है। ये बोल रहा है दुकानदार अपने वस्तु को 12% के लाभ पे बेचता है, यदि 18 रुपये अधिक में बेचे तो 18% का लाभ होता है। तो देखो ये मैंने 100 रुपये में खरीदी, तो एक लाइन बनाता हूँ मैं आपके सामने, यहाँ पे मैंने ये क्रय मूल्य है 100 रुपये का, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। ये बोल रहा है कि 12% लाभ पे बेचा मैंने, तो 100 रुपये की चीज़ मैंने 112 में बेची, ठीक है। और वो बोल रहा है कि यदि 18 रुपये में अधिक में बेचता तो 18% का लाभ होता, इसका मतलब 18 रुपये का लाभ कब होगा, जब 100 की चीज़ में 118 में बेचूँगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य बताओ, तो ये बोल रहा है कि 18 रुपये अगर अधिक में बेचूं, तो पहले मैं कितने में बेच रहा था, 112 रुपये में, अभी कितने में बेच रहा हूं, 118 रुपये में, मतलब मैंने कितने रुपये ज़्यादा में बेचा तब जाके 18% का लाभ हुआ। तो 112 से 118, मतलब मैंने 6% ज़्यादा में बेचा, 112% है और ये 118 भी परसेंट है, ठीक है। तो 112 की चीज़ 118 में बेची, मतलब 6% ज़्यादा में बेचा मैंने अब, तो मेरे को 18 का लाभ हुआ। तो 6% हो गया 18 की वैल्यू, तो 1% हो गया 3 की वैल्यू, तो 100% हो गया 300 की वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये बड़ा मेथड हो गया, ऐसे नहीं करेंगे हम, तो सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कैसे करते हैं इसको, मैं वो तरीका बताता हूँ। देखो ना, कॉस्ट प्राइस मानना है, क्योंकि हर चीज़ में मानने की क्या ज़रूरत हो, तो हमको पता ही है कि हर सवाल में कॉस्ट प्राइस हमारा 100 ही मानते हैं हम, ठीक है। एक वस्तु को 12% लाभ पे बेचा जाता है, तो देखो 12% लाभ पे बेचा गया, और दूसरी वस्तु को 18% लाभ पे बेचा गया। पहले मैं लिख के बता दूं, फिर आपको दिमाग में करना आ जाएगा, 12% लाभ पे बेचा गया या 18% लाभ पे बेचा गया, 18 रुपये में अधिक में बेचा गया, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितने का, 6% का। समझ में आ गया?
अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जब दोनों को लाभ पर बेचा जाए, 18% लाभ और 12% लाभ, 12% लाभ 18% लाभ, दोनों को लाभ पे बेचा जाए तो सेम कंडीशन हो ना, मतलब दोनों को लाभ लाभ में, तो सेम कंडीशन में हमेशा घटा घटा घटाते हैं हम, ठीक है। सेम कंडीशन में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और अगर सेम कंडीशन ना हो, मतलब अपोजिट कंडीशन हो, तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे कि मान लो इसी सवाल में अगर ऐसा होता कि 12% लाभ पे एक वस्तु को बेचा जाता है, लेकिन 18 रुपये अधिक में बेचते, अगर उसको 18% की हानि होती तो क्रय मूल्य बताओ, तो एक लाभ हो जाता और एक हानि हो जाता। तो इस केस में विपरीत है ना, तो विपरीत में मैं जोड़ देता। ये चीज़ ध्यान रखना, कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पे था एक कोई प्राइस 100 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस, अगर मैं 18% हानि पे बेचता तो 18% हानि नेगेटिव इस साइड होती, ठीक है। 118 मतलब 18% की हानि, 100 में से 18 घटा दो आप तो 72 होगा, है ना, अरे 82 सॉरी 82 होगा, ठीक है। 82 और 8 90, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 12% के लाभ पे बेचा जाता है उसको, तो 100 रुपये की चीज़ अगर 112 में बेचता तो ये बोल रहा है 18 रुपये अधिक में, पहले मैं बेच रहा था 82 में, अब मैं बेच रहा हूँ 112 में। यहाँ से लगा करके यहाँ तक का डिफरेंस देखना है मेरे को, सेलिंग प्राइस का, क्योंकि ये 18 रुपये अधिक में बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस का ही डिफरेंस देखूंगा ना मैं। तो 82 से 112 का डिफरेंस ऐसे इतना घटाने के बाद निकालूँ, या फिर मैं सीधा इन दोनों को जोड़ दूँ कि 18 और 12 30, सीधा आंसर। या फिर आप 112 में से 82 घटा दोगे तो भी 30 आएगा। तो इतना क्यों करना जब सीधा तरीका है हमारे सामने। अब मैं बिल्कुल चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आपके सामने कि जब भी सेम चीज़ सेम कंडीशन दी हो तो घटाते हैं, अपोजिट कंडीशन दी हो तो जोड़ते हैं। और ये मैंने अभी कंसेप्ट है आपको बता दिया है मैंने कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो 12% लाभ पे बेचा, 18% लाभ पे बेचा, दिमाग में आ गया दोनों लाभ पे बेच रहा है ना, तो दिमाग में आ गया 6% का लाभ डिफरेंस निकालना है हमेशा। तो 6% अगर 18 की, तो 18 की वैल्यू हो गई 6%, तो 100% कितना होगा, तो 6 × 18 300 आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु 7% हानि पर बेची जाती है, यदि उसको 64 रुपये अधिक में बेचते तो 9% का लाभ होता, तो 7% की क्या है हानि, 9% का क्या है लाभ, विपरीत है ना ये, अपोजिट है। तो हमेशा अपोजिट में क्या करना है, जोड़ना है। 7 और 9 कितना हो गया, 16, तो 64 हो गया 16% की वैल्यू, तो 100 कितना होगा, ठीक है। ये ऐसे ही करना है आपको, और ये चीज़ रटने वाली नहीं है, मैंने बता दिया है आपको। अब आप लोग पता नहीं कैसे याद रखते हो और फिर बोलते हो सर हमको ये याद रखना पड़ेगा क्या ट्रिक, ये ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट ही है एक्चुअली। 7% हानि पे बेचोगे इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ आपको कितने में बेचना पड़ेगी, 93 रुपये में। और ये बोल रहा है कि 64 रुपये अधिक में बेचते हैं तो 9% का लाभ होता है, 9 का लाभ कब होगा, जब 100 की चीज़ आप 109 में बेचोगे। और ये बोल रहा है 64 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे, तो यहाँ पे 93 की चीज़ आपने 109 में बेची, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 109 में से 93 घटाओगे तो 16 ही आएगा, जो कि हमने निकाला है यहाँ पे। इन दोनों को जोड़ लो या फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 16 ही तो आता है बिल्कुल, ठीक है। तो 16 64 की वैल्यू, 14 की वैल्यू 100 125, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2.5% हानि पर बेचता है, यदि उसे 5% लाभ पे बेचा जाता तो 6 रुपये अधिक मिलते। तो फिर से वही है, यहाँ 2.5% हानि है, यहाँ 5% लाभ है, तो 6 रुपये अधिक मिलते उसको, जब इतने की बजाय इतने में बेचता तो 2.5, एक हानि एक लाभ जोड़ दो, तो 5 और 2 7 7.5 हो गया, तो 6 हो गया 7.5 की वैल्यू, 100 कितना होगा। तो देखो पॉइंट हटेगा तो 0 लगेगा, 25 × 75 25 × 100, 3 से कटेगा 2 बार, तो 4 × 2 8, ये 80 क्या होगा आपका, क्रय मूल्य, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस आ गया, तो क्या बोल रहा है, तो क्रय मूल्य बताओ, तो आ चुका है 80, और उस पर अगर 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, तो 80 पे हमें 25% का लाभ चाहिए, इसका मतलब 80 की चीज़ को 125% में बेचना पड़ेगा। अरे 80 क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा 100 की वैल्यू होती है, वो 25 का लाभ कब होगा, जब 100 की चीज़ 125 में बेचूंगा, या फिर 80 का 125% निकाल लो, 25 × 125 25 × 100 4 × 2 8, तो 20 × 100 रुपये, 80 की चीज़ पे 25%, 80 का 1/4 20 होता है, तो 80 की चीज़ जब मैं 100 में बेचूंगा 20 ज़्यादा, तभी तो 25% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक टीवी को 5060 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यदि उसको 4830 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा। देखो 5060 में बेच रहे हैं तो 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 रुपये की चीज़ 11 में बेची, मतलब 11 सेलिंग प्राइस 10 10 कॉस्ट प्राइस। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं,
5060 में बेचने पर 10% का लाभ हुआ। मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ है तो 10% का लाभ कब होगा, जब मैं 100 की चीज़ को 110 में बेचूंगा तो 100 कितना होगा, पहले क्रय मूल्य निकाल लें हम इसका, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 11 चौक 44, 11 चंग 66, 4600 रुपये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। 4600 की चीज़ ये बोल रहा है, अगर उसे इतने में बेचें तो 4830 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस हो, है ना। तो ये बोल रहा है कितने रुपये का लाभ या हानि होगी, तो 4600 की चीज़ 4830 में बेचेंगे मतलब 230 रुपये का फ़ायदा, 230 का फ़ायदा 4600 पे, तो 100 पे कितना, 20 से 20 23 एकम 23, 23 दूना 46, 2 से कटेगा 10, 5 बार, तो 5% आंसर हो गया हमारा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है, रटने का तो कुछ है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, हर किसी भी प्रश्न में कोई रटने वाला प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। पता नहीं क्या कमेंट करती है, ए एक वस्तु को 20% की हानि पर बी को बेच देता है, बी उसे 25% की हानि पर सी को बेच देता है, यदि सी का क्रय मूल्य 900 रुपये है तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, ए ने एक वस्तु बी को बेची तो ए ने कितने में खरीदी, मुझे नहीं पता, तो मान लो 100 रुपये में ए ने खरीदी और बी उसने उस वस्तु को 20% की हानि पे बी को बेच दी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, मतलब 5 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु को 1 रुपये हानि पे बेचा, मतलब 5 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेचा, ठीक है। तो 5 रुपये की चीज़ पे उसको 1 रुपये की हानि हुई, इसका मतलब उसने 4 रुपये में बेच दी होगी, तो ये तो 20%, अरे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, तो या फिर एक काम करो, 20% की हानि पे बेचा तो 100 की चीज़ 20% हानि पे मतलब 80% में बेचा, और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होती है, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या फिर अब बी के पास आ गई, तो समझना, ए ने 20% लाभ हानि पे बेच दी उसको, ठीक है, किसको, बी को। अब बी उसे 25% की हानि पे बेचता है, तो 25% का हानि पे बेचा, इसका मतलब 75% पे बेचा उस 25% की हानि मतलब 100 की चीज़ को 25 कम में मतलब 75 में बेच दिया, तो 75% की इसकी वैल्यू हो गई 3/4 की, मतलब सी ने खरीद लिया। अब अरे बी ने बेच दिया सी को, तो सी ने इतने रुपये में क्या कर लिया, खरीद लिया, और ये बोल रहा है सी ने खरीदा 900 रुपये में, तो सी की वैल्यू गिवन है हमें, तो बस सोल्व कर लो, 3 से काट दो इसको, 3 3 9 और 4 से 4 कट गया, तो ये 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 1500 रुपये, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 रुपये, ठीक है। ए ने एक वस्तु 20% की हानि पर बी को बेची, तो ठीक है, बी को बेची, बी ने उसे 25% हानि पर सी को बेची, ए ने उसे 2000 में खरीदा तो सी ने कितने में खरीदा, तो देखो ए ने कितने में खरीदा, 2000 में, तो दिया हुआ है ए ने कितने में खरीदी, 2000 रुपये में, ठीक है। अब ये बोल रहा है उसने 20% हानि पर बेच दी, इसका मतलब उसने 80% में बेच दी 100 की चीज़ को, और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकता हूँ 4/5, अरे ये 4/5 कैसे आया, तो देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5 हमारा क्रय मूल्य और हानि पे बेची है ना, इसका मतलब 1 रुपये की क्या हुई है, हानि, मतलब 5 रुपये की वस्तु उसने 4 रुपये में बेच दी, तभी तो 1 रुपये का लाभ हुआ, हानि हुई इसको, ठीक है ना। बस इसको देख लो, अब यहाँ पे अब ये ए ने बेच दी इसको 20% की हानि पे, अब बी ने खरीद ली इतने रुपये में, ठीक है, लेकिन बी ने भी क्या करा, उसको 25% की हानि पे बेच दी, 25% की हानि का मतलब क्या होता है, 3/4, अरे 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 की चीज़ पे 1 रुपये का नुकसान, मतलब 4 की चीज़ 3 में बेचेंगे तभी तो नुकसान, और ये कितने में, किसने खरीद ली, सी ने, तो सी ने कितने में खरीदी, तो मान लो सी ने 100 रुपये में खरीदी, बस हटा दो ये ब्रैकेट, अब आप इसको सोल्व कर लो, इजी है, ठीक है। 4 से 4 कट गया, 5 चौके 20, 400, 4 3 1200, तो 1200 बराबर x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 रुपये, ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ए ने एक स्कूटर 20% की हानि पर बी को बेच दिया तथा बी ने 26000 रुपये में 30% लाभ लेकर उसे सी में बेच दिया, सी को बेच दिया, ठीक है, तो बी ने उसे कितने में खरीदा था, हमें ये निकालना है। देखो अच्छा प्रश्न है, समझना फिर से, ए ने एक स्कूटर 20% हानि पर बी को बेच दिया, तो और बी ने इतने रुपए में 30% लाभ लेकर सी को बेच दिया, तो बी ने 26000 रुपये में 30% लाभ लेकर उसे सी को बेचा, ठीक है। तो देखो ए ने कितने में खरीदा नहीं पता, तो मान लो 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, और उसने क्या करा कि 20% हानि पे बेच दिया, इसका मतलब 80% पे बेचा उसने, 100 की चीज़ को 80 में बेचा तभी 20% की हानि, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, ठीक है। पहले मैं ए का मूल्य निकाल रहा हूँ, ए ने कितने में खरीदा, और उसके बाद बी को बेचा उसने, ठीक है। अब बी ने खरीद लिया 1 गुना 4/5 में, और बी
बी ने क्या बोला है कि उसने 30% लाभ पे सी को बेच दिया, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 130 पर, 100 की चीज़ 30 ज़्यादा में, मतलब 130 में, तो 130 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 13/10, अरे 130% तो यही 130/100, 0 0 हटा दो तो 13/10 बचा, और बी ने उसको एक्चुअली कितने में बेची है, इतने में, 26,000 में, ठीक है, तो 26,000 निकाल लो आप इसका, बस आपके सामने वैल्यूज़ है, इसको 13 से काट दो, 13 दूना 26, ये 2,000 आ गया, ये 4 से कटेगा, 4 पंजे 20, ये 5,000 आ गया, सॉरी 4 पंजे 20 500, तो ये 10 पंजे कितना हो गया, 50, 50 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ए ने खरीदी ना एक्स की वैल्यू, मतलब ए ने, तो ए की खरीदी मूल्य कितनी आ गई, 10 पंजे 50 गुना 5 100, तो ये हो गया 5 पंजे 25, 25,000 रुपये हो गया हमारा, ठीक है। अब ए ने कितने में खरीदी, तो ए ने खरीदी थी उसको 25,000 रुपये में, ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि बी ने कितने रुपए में खरीदा था, तो ए ने खरीदी 25,000 में, तो बी ने कितने में खरीदा, उससे 10-20% की हानि पे खरीदा, अरे ए ने बेचा 20% हानि पे, इसका मतलब बी ने कितने में खरीदा, 25,000 से तो कम में ही खरीदा होगा, तो बस देखो ए ने 25,000 की वस्तु को 20% हानि पे बेचा, तो 20% हानि, इसका मतलब उसने 80% में बेचा, 80% कितना होता है, 4/5 में, तो ये जो प्राइस आया इतने में क्या करा, बी ने खरीदा, समझ में आया ना, तो ये बी का कॉस्ट प्राइस आ गया, तो बस इसका 4/5 निकाल लो, 5 पंजे 25, तो ये 5,000 और 5 चौके 20,000, तो ये 20,000 में बी ने खरीदा, समझ में आ गया होगा, बेस्ट क्वेश्चंस था, अच्छा क्वेश्चंस था, इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं और आपको उलझाते रहते हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल है आपके सामने, इसको सोल्व कीजिए। देखो ए ने 20,000 रुपये की एक मोटरसाइकिल बी को 20% के लाभ पे बेच दी, लेकिन बी ने पुनः 20% की हानि पर ए को बेच दी। देखो समझना, ए ने कोई वस्तु 20% के लाभ पर बी को बेच दी, लेकिन बी ने वापस उसको 20% की हानि पर ए को बेच दी, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ए को कितने रुपए का लाभ हुआ, तो ए का लाभ आप निकाल सकते हो इसके अंदर, कैसे निकालेंगे हम, देखो समझना, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो ए की बात कर रहा है कि ए ने क्या करा, तो ए ने 20,000 रुपये की वस्तु है, उसको 20% लाभ पे बेचा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 रुपये की वस्तु पे 1 रुपये का लाभ लिया, इसका मतलब 5 रुपये की वस्तु को उसने 6 रुपये में बेचा, ठीक है, तो ए का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, तो ए ने, देखो ए ने खरीदा 2,000 में था, ये 2,000 क्या, 20,000 सॉरी, 20,000 क्या है उसका कॉस्ट प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आया, उसमें बेचा कितने में, तो 5 चौके 20, 4,000 और 4 छंग 24,000, मतलब 20,000 की चीज़ को उसने 24,000 में क्या करा, सेल करा, बेचा, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, ए ने बेच दिया बी को, इसका मतलब बी ने 24,000 में खरीदा, अरे आपने किसी को 5 रुपये की चीज़ बेची, तो आपके लिए तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन उस बंदे के लिए वो तो कॉस्ट प्राइस है ना, क्योंकि उसने आपसे खरीदा है, तो उसके लिए वो क्रय मूल्य है, आपके लिए विक्रय मूल्य है, तो बी ने कितने में खरीदा, तो देखो ए ने खरीदा 20,000 में और बेचा 24,000 में, और बी ने खरीदा कितने में, जितने में ए ने बेचा, तो ए ने कितने में बेचा, 24,000 में। देखो मैं एक एक चीज़ें लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए, वरना इतना बड़ा प्रश्न नहीं है कि आपको इतना सब कुछ लिखना पड़े। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे पिछली वीडियो में कि ऐसे पढ़ेंगे तो हो गया सिलेक्शन, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा सर, जो भी थे आप, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से जो मानसिकता होती है ना आप लोगों की, वो कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता आपका, क्योंकि आपको चाहिए बिल्कुल शॉर्टकट, और वो रटने वाला प्रोसेस आप रटते होंगे, ठीक है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा भाई। थोड़ा सा मुझे जो है ना, मुझे मेरी काबिलियत नहीं दिखाना है यहाँ पे कि मुझे कितना जल्दी इसको करना आता है, मुझे आप कोई ज़रूरत नहीं है, भले ही आप ना पढ़े हमसे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी नहीं पढ़ेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे बस उन लोगों की ज़रूरत है जो चाहे 5 भी क्यों ना हो, अगर मेरी वीडियोस को 5 लोग भी देख रहे हैं, लेकिन अगर वो सही मायने में देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए पूरी लाइफ वीडियो बनाने को तैयार हूँ, और वो 5 लोग हर साल बदलते रहेंगे, क्यों, क्योंकि उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आप लोग पढ़ने पर फोकस करें, आप लोग ये चीज़ मत देखो, मुझे है ना एक एक चीज़ें क्लियर कराना पड़ती है, और मेरी आदत है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। यूट्यूब पे पढ़ाने में किसी को शौक शौक नहीं आता किसी को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप समय निकाल रहा हूँ मैं, बहुत ज़रूरी ये है, क्योंकि मुझे पढ़ाने का शौक है, और मेरी आदत है कि मैं एक एक बंदे को एक एक चीज़ क्लियर करूँ कि ये चीज़ आई कहाँ से। मैं सीधा 24,000 लिख देता तो कोई लोग समझ नहीं पाते 24,000 कहाँ से आ गया,
मैं तो देख कर ही आंसर बोल दूंगा, 4800 आंसर है इसका। अब आप लोग जीवन भर सोचते रहोगे कि कैसे बोल दिया सर ने। लेकिन मेरे लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मुझे कितना जल्दी आता है, मुझे ये ज़रूरी है कि आप लोग कैसे समझ पाते हो उसको। तो मैं चीज़ें थोड़ी बड़ी करता हूँ कि एक एक चीज़ें लिखता हूँ, आप समझ पाओ इसको। बहुत सारे लोग नोट्स बनाते हैं, कॉल्स करते हैं ना, तो मुझे पता है, ये आप लोगों को पता नहीं होता फालतू की कमेंट करने वालों। खैर कोई बात नहीं, सारी उंगलियाँ बराबर नहीं होती, सारे लोग अच्छे भी नहीं होते, ठीक है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो तो देखो, ए ने बेचा 24,000 में, तो बी ने खरीदा 24,000 में। ए ने बेचा तो बी ने खरीदा, सीधी बात है, जितने बेचेगा उतने में ही खरीदेगा बी। अब ये बोल रहा है कि बी ने वापस उसको 20% की हानि पे बेच दिया। तो देखो, बी ने कितने में बेचा, 20% की हानि। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का नुकसान हो गया। इसका मतलब 5 रुपये की चीज़ उसने 4 रुपये में ही बेच दी, ठीक है। तो बस इसको सोल्व कर लो। देखो ये कटेगा इससे 5, देखो मैं नीचे काट नीचे लिख रहा हूँ ना, 5 चौके 20 है ना, 4 बचा, 5 8 40, और ये 00, 4800 × 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 00, 8 चौके 32 की 2, 3 बचा, 4 चौके 16, 17 18 19, 19 200, ठीक है। मतलब मैंने 24,000, क्या बोल रहा है जी, कि ए ने कितने का लाभ कमाया। तो देखो समझना, ए ने कितने का लाभ कमाया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और समझने की ज़रूरत है। हम लोग यहाँ से डील करेंगे इस सवाल को कि 20,000 की चीज़ 19,200 में बेची है ना, मतलब वापस ए के पास आ गई, तो ए को कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखो, ए ने ख़रीदा 20,000 में था, उसके पास वापस वो वस्तु आई 19,200 में, तो नुकसान किसको हुआ, नुकसान तो बी को हुआ है, ध्यान रखना। ए ने तो 20,000 में खरीदी थी, उसने बेचा 24,000 में था। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो डील होगी ना, वो कॉस्ट सेलिंग प्राइस पे होगी ए के लिए, कि ए ने बेचा कितने में था। तो ए ने बेचा था तो 24,000 रुपये में, ये समझ में आ रहा है ना, ए ने बेचा था 24,000 रुपये में, और जब ए के पास वो मूल्य वापस वस्तु आई तो ए ने ख़रीदा कितने में। तो देखो, ये है आपकी सेलिंग प्राइस ए की, और ये है आपकी कॉस्ट प्राइस, कितनी आई अभी 19,200, तो ए का लाभ कितना है यहाँ पे पता चलेगा। ये कॉस्ट प्राइस मत लिख लेना, ए ने बेचा कितने में था वो चीज़ ज़रूरी है, और ए ने ख़रीदा कितने में, 20 से 19,200 में। तो यहाँ पे 00, ये 2, तो ये हो गया 8, और ये 4, ठीक है। तो ये 4800 आंसर होगा हमारा। मैंने इस तरह के सारे प्रश्न बहुत बार कराए हैं, ठीक है, तो मुझे लगभग आधे क्वेश्चंस के तो आंसर तक याद हो गए हैं, कि इस तरह का क्वेश्चंस दिखते ही मैं आंसर लगा देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आपको जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना जल्दी आपके दिमाग में आंसर आते जाएंगे, आप देखकर ही आंसर कर देंगे कुछ तो क्वेश्चंस के, क्योंकि आपको उस तरह के प्रश्न को सोल्व करना आता है, ठीक है। चलो खैर, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, टाइम बहुत कम रहता है वैसे भी, और बातचीत में टाइम वेस्ट नहीं करना। किसी अलमारी को 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है, अगर इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया होता तो कितने का लाभ होता। देखो, 2576 में बेचा तो 12 का लाभ हुआ, इसका मतलब 100 की चीज़ को 112 में बेचेंगे तभी लाभ होगा। तो ये सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, बस इसको आप सोल्व कर दो। 112 का डबल 224, अरे 224 हो गया ना, तो 257 माइनस 224 कितना बचा, 3, और ये बचा 3, ठीक है, और ये वहाँ पे कितना बचा, 6, तो 112 तिया है ना, तो 3 बार कट जाएगा इससे, अभी तो 23 बार, तो मतलब 2300 रुपये क्रय मूल्य हो गया हमारा। समझ में आ गया कि नहीं। अब ये बोल रहा है, अगर उसको 100 रुपये कम में ख़रीदा, मतलब 2300 की बजाय उसको सिर्फ 2200 में ख़रीदा होता, ठीक है, तो लाभ कितना होता। तो देखो, फिर से देखो, 2200 की वस्तु अब हमने ख़रीदी, और फिर से वही सेलिंग प्राइस 2576 आपकी, 2576, तो 2200 की चीज़ 2576 में बेची, मतलब अभी 376 का फ़ायदा है मेरे को। और अब कितना कॉस्ट प्राइस है 2200 पे, तो 100 पे कितना होगा, 20 से 20 कट गए, 11 से काट दो, 11 2 22, 11 3 33, 11 6 66, 2 से काट दो, 18%, एक मिनट गलत हो गया, 11 2 22, 11 3 33, 33 34 35 36 37, 4 बचा 46 हो गया, ये 46, मतलब 11 से नहीं कट रहा है, ठीक है। एक काम करो, इसको 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 18 2 36, 8 2 16, ठीक है, तो 188/11 आएगा ये लगभग लगभग, तो 11 एकम 11, 7 बचा, तो 11 7 77, 1 78,
बटे 11, तो 17 सही 1/11%। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर इसका। चलो बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है, फिर से एक करिए इसको सॉल्व। एक व्यक्ति को एक खर्च पर 15% लाभ होता है और दूसरे खर्च पर 10% की हानि। यदि दोनों खर्च 3:5 के अनुपात में हो तो कुल लाभ या हानि क्या होगी? देखो दो खर्च दिए हुए हैं 3:5 में, तो ये 3:5 में ये खर्च दिए हुए हैं। एक पर उसको 15% का लाभ हुआ और एक को हुई उस पर 10% की हानि। तो 3 का 15% निकालने जाएंगे तो थोड़ा सा पॉइंट में आएगी ना वैल्यू। तो आप इसको रेशो में गिवन है तो इसको आप 30 मान लो या 300 मान लो, 300-500 मान लो, इजी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये बोल रहा है 300 का 15% लाभ हुआ, तो 300 का 15% कितना होता है? 45 रुपये। 15 तिया 45, अरे 15 तिया 45 और 10 पंजे 50, इसका मतलब 10% लॉस। तो ये 45 रुपये का तो लाभ हुआ और 10 पंजे कितना, 500 का 10% कितना होता है? 50। ठीक है, तो 50 की हानि हुई, समझ में आ गया। तो ये बोल रहा है कुल लाभ या हानि कितनी होगी, तो देखो ये कुल लाभ या हानि हो गई हमारी 50 और 45, कितना बचा? सिर्फ माइनस का 5, तो 5 की हानि हुई कुल मिला। अरे कॉस्ट प्राइस ये हो गई टोटल हमारी, एक खर्चा इतना दूसरा खर्चा इतना, तो टोटल 800 रुपये पे मेरे को हुआ कितना लाभ या हानि? तो 50 रुपये की हानि हुई और 45 रुपये का लाभ हुआ, मतलब कुल मिलाकर के 5 रुपये की हानि हुई। ठीक है, 5 रुपये की हानि हुई ना कुल मिला। अरे इन दोनों का आप जोड़ दो, इन दोनों को लाभ कितना हुआ या हानि कितनी हुई पता चल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ा मैंने तो 5 रुपये की हानि हुई। तो 5 रुपये की हानि हुई 800 रुपये पे, तो 100 पे कितनी होगी? तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 5/8 हो गया हमारा आंसर यहाँ पे, मतलब हानि 5/8। या फिर इसको सोल्व किया गया है अगर ऑप्शन में, तो हम ऐसे करेंगे कि 0 ये हो जाएगा 8 6 48, देखो पॉइंट 0 पॉइंट ये हो गया 50, तो 8 6 48, 2 बचा 8 2 16 0.62। ठीक है, तो इतना परसेंट आंसर होगा हमारा, और आगे सोल्व कर सकते हो आप इसको पॉइंट के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन देख करके हम सोल्व कर सकते हैं इसको। चलो ये प्रश्न था आर एस अग्रवाल का, ये किसी ने मुझे टेलीग्राम ग्रुप में पूछा था, तो मैंने वहाँ पे भी कराया था हालांकि, ठीक है, लेकिन फिर से यहाँ आ गया है और मुझे ठीक लगा कि इसको ले लिया जाए, तो मैंने इसको टाइप कर लिया। कुछ किताबें 200 से 350 की कीमत में खरीदी गई, ठीक है, तो 200 से 350 में हमने क्या करी, खरीदी उसको, और 300 से 425 में बेची। सेलिंग प्राइस कितना रखा हमने लगभग उसका, कम से कम 300 रुपये में बेची और ज़्यादा से ज़्यादा 425 रुपये में बेची उसको। तो 8 किताबें बेचने पर अधिकतम लाभ कितना होगा ये बताइए। तो देखो लाभ अधिकतम कब होता है, एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो, कुछ 10 रुपये की, कुछ 5 रुपये की, कुछ 8 रुपये की, कुछ 7 रुपये की, कुछ 15 रुपये की, ठीक है, तो लाभ कब हो सकता है? ज़्यादातर अधिकतम लाभ पूछा है इसने, अधिकतम मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अधिकतम लाभ जब होगा, तब होगा जब कम से कम में खरीदो और ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य में बेचो, समझ में आ गया ना, तभी अधिकतम लाभ होगा। अरे आप कोई, आपने कोई चीज़ 10 में खरीदी, 12 में खरीदी, 13 में खरीदी, 14 में खरीदी और 15 में खरीदी, तो आपको सबसे ज़्यादा लाभ कब होगा? जब आप सबसे कम मूल्य 10 रुपये में उसको खरीदो और सबसे ज़्यादा मूल्य 15 रुपये में बेचो, तब जाके आपको 5 रुपये का लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 15 की बजाय 14 में ही बेचा तो 4 रुपये का ही लाभ होगा, समझ में आया ना। तो सबसे अधिकतम लाभ कब होगा? जब सबसे कम में खरीदो और सबसे ज़्यादा में बेचो। तो यहाँ पे सबसे कम खरीदने वाली प्राइस कितनी है? 200 रुपये, ठीक है, तो सबसे कम खरीदना आपको 200 रुपये में सबसे कम में खरीदी मान लो मैंने, और ज़्यादातर सबसे मैक्सिमम प्राइस कितना है इसका? 425 रुपये, तो 425 में बेचा, तो 200 की चीज़ 425 में बेचूंगा, इसका मतलब मुझे 225 रुपये का लाभ होगा, समझ में आ गया, एक किताब पर, है ना, किताबें खरीदी ना उसने, तो एक किताब पर 225 का लाभ, तो 8 किताब पर मैक्सिमम कितना लाभ होगा? तो 225 अगर हर एक आठों किताब पर होगा तो टोटल लाभ हो जाएगा मेरा 8 5 40 की 4, ठीक है, 8 2 16, 16 और 4 20 की 0, 2 बचा, 8 2 16 और 2 18, मतलब 1800 रुपये का मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या अधिकतम लाभ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, देखो तो किसी वस्तु को 56,000 रुपये में खरीद कर इसके क्रय मूल्य के 3/4 मूल्य पर बेच दिया जाए तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी? देखो ये क्वेश्चंस जो है ना बहुत बेसिक होते हैं, ठीक है, लेकिन डरावने इतने ज़्यादा होते हैं कि छोड़ना इसको कुछ लोग सही समझते हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी डेटा दिया नहीं होता बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह के, या तो बहुत ज़्यादा डेटा दे देगा,
तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है देख कर ही। ठीक है, तो ये प्रश्न के दो तरीके बताऊंगा मैं। देखो, अब कुछ लोग कहते थे ना कि ये याद कब तक रखेंगे, तो दो तरीके बताऊंगा। एक तो आपको कंसेप्ट बता दूंगा इसका, ठीक है, कि करते कैसे हैं इस तरह के सवाल को एक्चुअली, और इसका शॉर्टकट मेथड भी बता देता हूँ मैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप कंसेप्ट पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे, आप शॉर्टकट मेथड पे ही ध्यान देंगे कि इस तरह का प्रश्न अब दिख जाएगा आपको, तो आप मोर देन 5 सेकंड सॉल्व कर लेंगे, ये गारंटी है मेरी। इस तरह का कोई भी प्रश्न दिखा दो। अब कैसे दिखेगा, पहले कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। देखो, पहले कंसेप्ट जानना ज़रूरी है हमें, ठीक है, क्योंकि ये ही नहीं समझ में आया ना तो इस तरह का कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आप शॉर्टकट से मार दोगे और आंसर गलत कर दोगे। तो पहले चीज़ें समझना ज़रूरी है कि किस तरह के प्रश्न इसमें सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को 5,600 रुपये में खरीद कर इसके क्रय मूल्य के 3/4 में बेच दें तो कितने का लाभ होगा। देखो, जो भी प्राइस हो, ये 5600 की जगह ज़रूरी नहीं है, है ना, कोई भी छोटा सा मूल्य मान सकते हो आप, 100 रुपये, है ना, क्योंकि उसके जो क्रय मूल्य मतलब 5600 है, उसके 3/4 में बेच दें तो ज़रूरी थोड़ी 5600 पे अलग रेट आएगा या 500 पे अलग आएगा या 200 पे अलग आएगा या 100 पे अलग आएगा, सब पे एक ही आएगा। ठीक है, तो इतने बड़े डेटा को सोल्व नहीं करना है हमें। पहली बात तो आप छोटी सी वैल्यू कर लो, 100 रुपये। ठीक है, तो मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, जो कि 5600 दिया हुआ है, हम 100 मानकर भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि आप 5600 का 3/4 निकालोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ा नंबर बनेगा एक। ठीक है, तो आप हमेशा 100 मान सकते हो इस तरीके के सवाल में। तो क्रय मूल्य के 3/4 में कोई वस्तु बेच दी तो 100 की 3/4 कितना होता है, 75। मतलब 100 की चीज़ मैंने 75 में बेच दी तो लाभ दिख गया। अरे 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी मैंने तो सॉरी, प्रतिशत लाभ या हानि होगी, तो हानि हो रही ना। देखो, 100 की चीज़ मैंने 75 में बेच दी तो मेरे को कितने की हानि हुई, 25% की। ठीक है, तो आप ये 5600 भी निकालेंगे ना तो भी 25% ही आएगा। आई थिंक इसके लिए तो यही तरीका बेस्ट है। ठीक है ना, तो आप इसी को फॉलो कर लो, है ना, यही अच्छा है तरीका, इसका शॉर्टकट रहने दो। ठीक है, चलो अगला देखो। इस तरह का प्रश्न अगर आपके सामने आता है कि किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पे बेचा और शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, तो इस पूरे माल की बिक्री पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। समझना, इसके दो तरीके बताता हूँ, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है। ठीक है, पहला कंसेप्ट समझते हैं इसका, फिर शॉर्टकट। अगर मैं मान लूँ कि वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपये, ठीक है, तो 100 अब वो बोल रहा है कि व्यापारी अपने 3/4 माल को 20% लाभ पे बेचता है, 100 का 3/4 कितना हो गया, 75, तो 75 को उसने बेचा 20% के लाभ पे, है ना, तो 20% कितना होता है इसका, 1/5 मतलब 15, तो 75 की चीज़ 15 रुपये ज़्यादा मतलब 90 में बेची उसने। अरे कैसे निकाल रहा हूँ मैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 से भाग दिया 75 में तो 15 आया, मतलब 15 रुपये लाभ पे बेचा, तो 75 की चीज़ पे 15 का लाभ मतलब 90 रुपये में बेचा होगा, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और माल कितने रुपये का मान लिया मैंने, 100 माल है टोटल, 100 रुपये का टोटल। ठीक है, और उसका 3/4 माल बेच दिया, मतलब 75 रुपये का माल बेच दिया, 100 रुपये का माल था टोटल अगर तो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि शेष को, तो शेष कितना बचा, 100 रुपये का टोटल माल है मेरे पास, 1 रुपये का एक माल, 100 रुपये का 100 माल। ठीक है, 1 रुपये का एक बिस्किट तो 100 रुपये के 100 बिस्किट। ठीक है, तो 75 बिस्किट मैंने बेच दिया 90 में, अब बचे कितने, 25 और बचे ना 100 में से, तो 25 को क्या बेचता है, वो क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब जितने में खरीदे उतने में ही बेच दिए, 1 रुपये का एक बिस्किट तो 25 बेचे 25 में, तो ये 25 में ही बेच दिया। तो खरीदा मैंने कितने में, तो देखो हमें मालूम है खरीदा तो 100 रुपये में, और बेचा कितने में, तो ये 5 हो गया और 9 और 2 कितना हो गया, 11। ठीक है, तो 100 की चीज़ मैंने 115 में बेची, मतलब मेरे को 15% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ये समझ में आया, ठीक है, ये तो इसका कंसेप्चुअल मेथड था इसका। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना है इस तरह के सवाल को। जब भी देखो मैं बता दूँ किस तरीके के सवाल में जो बताना चाह रहा हूँ शॉर्टकट से वो कैसे होंगे, जब भी परसेंट लाभ पे कुछ उसका कुछ भाग परसेंट पे बेचा जाए और क्रय मूल्य को कुछ रेट पे बेचा जाए, क्रय मूल्य जरूर दिया हो, ठीक है, और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या कोई भी आधा भाग का प्रॉफिट परसेंट पूछे, मतलब प्रतिशत में पूछे ना, तभी ये ट्रिक आप ध्यान रखना इसको। ठीक है ना, वैसे तो आप ये कर सकते हो लेकिन ये टाइम बहुत अपना लेती है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये तरीके तो आपको शॉर्टकट बताता हूँ इसका, कि देखो ये बोल रहा क्या, जो बोल रहा है वही कर दो। ये व्यापारी अपने 3/4 माल को 20% लाभ पे बेचता है, तो देखो 3/4 माल को
20% लाभ पे, तो प्लस का 20, ठीक है, कोई इशू ही नहीं है, प्लस लगाओ या मत लगाओ, तो तीन चौथाई माल को 20 रुपये लाभ पे बेचता है, और शेष, तो शेष कितना बचा, प्लस लगा दो क्योंकि ओवरऑल टोटल बेच रहा है ना, तो प्लस बचा कितना, एक चौथाई। अरे चार में से तीन बेच दिया तो चार में से एक बचा, मतलब एक चौथाई बचा, है ना। और उसको किस पे बेच रहा है, वो उसको बेच रहा है क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य हमेशा ध्यान रखना, जीरो लेना है आपको, किसी भी तरह का सवाल हो, ऐसा कोई भी सवाल हो, क्रय मूल्य को हमेशा जीरो लेना है। तो जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, और प्लस चार से काट दो इसको, 20 को 4 5 20, और 5 दिया कितना आ गया 15, तो 15 + 0 मतलब 15, और 15 प्लस का आया है तो 15% आंसर हमारा, सीधा शॉर्टकट, जो बोला है वही किया है मैंने, ठीक है ना। एक ये भी तरीका था हमारा, लेकिन ये कंसेप्ट है पूरा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो एक और सवाल है आपके सामने, इसको कैसे करेंगे हम। एक व्यापारी कुछ सामान 6,000 में खरीदता है, उसमें से आधे सामान को 12% लाभ पे और शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पे बेचे कि कुल मिलाकर उसे 18% का लाभ हो, ठीक है। तो देखो एक चीज़ समझना, 6,000, देखो पहले दोनों तरीके बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, रटने वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। 6,000 रुपये की कोई चीज़ मैंने खरीदी है टोटल, ठीक है, ये बोल रहा है इसमें से आधे सामान को 12% लाभ पे बेचा और आधे को कितने पे लाभ पे बेचे कि कुल 18% का लाभ हो। तो कुल 18% का लाभ, इसका मतलब क्या हुआ कि 6,000 का मुझे 118% निकालना पड़ेगा, है ना। या फिर मैं एक चीज़ कहूँ कि इसका 18% निकाल लो तो सीधा प्रॉफिट आ जाएगा मेरा टोटल, ठीक है, ये 2 0 0 18 6 108 और ये 0, 1,080 रुपये का मुझे लाभ हो टोटल, ठीक है, ये चीज़ कहना चाह रहा है ये। तो देखो ये बोल रहा है कि उसमें से आधे सामान को, आधे सामान को क्या बोल रहा है कि 12% लाभ पे बेचा, तो आधा सामान कितना हुआ, 6, मान लो 1 रुपये का एक सामान, तो 6,000 रुपये का 6,000 सामान, ठीक है, तो 6,000 का आधा सामान, तो आधा सामान को किस पे बेचा उसने, 12% लाभ पे, तो 3,000 का 12% निकाल लो आप, 2 0 से 2 0 कट गए, 12 3 36, 360 रुपये का, तो 360 रुपये का लाभ होगा आपका, मतलब टोटल लाभ 1,080 का चाहिए मेरे को, और कुछ सामान मैंने 360 पे बेच दिया, तो बचा कितना लाभ, मेरे को कितना लाभ और कमाना है, तो 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 6 गया तो 2, 10 में से 3 गया तो 7, 720 रुपये का मेरे को लाभ चाहिए, और 720 रुपये का मेरे को लाभ चाहिए, कितने पे चाहिए मेरे को, अभी भी आधी वस्तुएँ बेचना है ना, तो 6,000 में से आधी तो हमने बेच दी, और आधी को और बेचना है, मतलब 3,000 वस्तुओं पे मेरे को लाभ हुआ 720 का, समझ में आ गया, तो 100% कितना होगा, तो 1 2 3, 3 0 से 1 2 3, और 3 से इसको काट दो तो 24 3 72, 24% आंसर होगा हमारा। एलिगेशन से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, तो ये तरीका हो गया 24%, ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। अब अगर इसको शॉर्टकट से करें तो क्या बोल रहा है कि कुछ सामान 6,000 में ख़रीदा, तो इस लाइन को नहीं पढ़ना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बोल रहा है उसमें से आधे सामान को, तो आधा कितना होता है 1/2, तो आधे को बेचा 12% के लाभ पे, प्लस शेष कितना बचा, आधा और बचा, तो आधे को बेचा उसने कितने परसेंट लाभ पे, तो आधे को कितने परसेंट लाभ पे बेचे, तो मान लो 61% लाभ पे, कि कुल मिलाकर उसको 18% का लाभ हो, बस सिंपल, 2 * 12, इस 6 को उठा करके उधर फेंक दो, तो 1/2 × x बराबर 18 में से 6 गए, कितना बचे 12, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24, तो ये इतना परसेंट आंसर हो गया, प्लस में आया तो आंसर प्लस में, ठीक है। आई थिंक यही तरीका सबसे बेस्ट है, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं इस तरह के सवाल को, और कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, जब परसेंटेज में वैल्यू पूछे हमसे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा, शेष को क्रय मूल्य पर बेचा, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कंसेप्ट समझो। कपड़े के एक व्यापारी ने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पे और शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पे बेचा। मान लो 100 रुपये में 100 मीटर कपड़ा लाया मैं, ठीक है, कपड़ा बेच रहा है ना, 100 मीटर कपड़ा लाया, है ना, तो 1 रुपये में 1 मीटर, ठीक है, ये बोल रहा है आधा भाग, मतलब आधा भाग कितना होता है 100 मीटर का, 50 मीटर कपड़ा, ठीक है, तो 50 मीटर कपड़ा क्या बोल रहा है कि 20% हानि पे बेचा, तो 50 मीटर कपड़े का मूल्य 50 रुपये है और उसको मैंने 20% की हानि पे बेचा, तो 50 रुपये पे 20% की हानि, 10% 5 होता है तो 10% 5 होता है तो 20% 10 होता है, मतलब 10 रुपये की हानि पे बेचा इसको, तो 50 की चीज़ 40 में बेच दी, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, और ये आपका मीटर में कपड़ा है, ठीक है।
कपड़ा इन मीटर। अब ये बोल रहा है कि ठीक है, अब शेष कपड़े का भी आधा, तो देखो 100 का आधा तो ये रहा, 100 का आधा 50 ले लिया मैंने, हाँ इस 100 का एक ही बात है, ठीक है इस 100 का आधा 50 ले लिया, अभी और कितना बचा, 50 और बचा, और 50 में से भी आधा बोल रहा है मतलब 25, तो 25 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हुआ, 25 रुपये, और उसको क्या बोल रहा है 20% की हानि पे, तो 20% कितना होता है 1/5, तो 5 निकालोगे इसका तो 5 आएगा, 5 × 25 तो 5 रुपये की हानि पे, मतलब 25 रुपये की चीज़ को मैंने 20 रुपये में बेचा तभी मेरे को हानि होगी, ठीक है। ओ सॉरी ये क्या बोल रहा है 20% लाभ पे बेचा है ना, तो 10 रुपये ज़्यादा में बेचेगा, तो 50 की चीज़ 10 में ज़्यादा मतलब 60 में बेचेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि शेष वस्तु को उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, इसका मतलब बचा कितना, तो 50 मीटर कपड़ा यहाँ, 25 मीटर यहाँ, 75 हो गया, तो बचा 25 मीटर और, तो 25 मीटर कपड़े का मूल्य 25 रुपये, और 25 को बेचा भी 25 में, क्योंकि क्रय मूल्य पर है, जितने में खरीदा उतने में ही बेचा, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य पर बेचना, ठीक है। तो मैंने खरीदा 100 मीटर कपड़ा है और बेचा कितना है 60 और 20 80 80 और 20, 100 और 5 105, मतलब 100 रुपये की चीज़ 105 में बेची, इसका मतलब 5% का फ़ायदा, 100 पे तो 100 पे कितना, तो 5, तो 5% आंसर हो गया, ठीक है। ये कंसेप्ट था, अब इसका शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या कहता है, ये बोल रहा है आधा भाग 20% लाभ पे बेचा, तो मान लो कोई 1 मीटर कपड़ा है और हर बार हम एक ही तो मानते हैं, इस ये जो पिछला सवाल था यहाँ पे भी एक ही माना मैंने, आधा बोला तो एक का आधा कर दिया 1/2 है ना, तो चलो एक, ठीक है। अब ये बोल रहा है आधा भाग 20% लाभ पे, तो 1/2 कितने में बेचा, 20% लाभ पे। अब ये बोल रहा है शेष कपड़ा, तो शेष बचा कितना, आधा और बचा, और शेष कपड़े का भी आधा भाग, तो 1/2 बचा है और उसका भी आधा, तो कितना हो गया 1/4, समझ में आ गया ये, तो 1/4 जो बचा है प्लस 1/4 उसको भी बेचा 20% की हानि पर, तो 20% हानि कितना होता है माइनस का 20, ठीक है। और शेष भाग कितने में बेचा, क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य 0 होता है, तो जो भी शेष भाग बचा 1/4 उसको आप 0 से मल्टीप्लाई, ये 1/4 कैसे बच रहा है समझना, ये पहले तो ये 1/4 समझ लो कैसे आया, मैंने कुल भाग माना था 1, ठीक है कुल भाग माना था 1, तो 1 में से मैंने आधा ले लिया यहाँ पे, तो 1 में से आधा गया तो बचा कितना 1/2, ये बचा था अभी हमारा, ठीक है। अब इस 1/2 का भी आधा भाग, तो इसका भी आधा भाग मतलब 1/4 हो गया, तो बचा कितना था 1/2 है ना, और 1/2 में से 1/4 पे ये वस्तु बेच दी मैंने यहाँ पे, अरे 1/4 में मैंने यहाँ पे बेच दिया ये, ठीक है ये वाला, तो बचा कितना अभी, तो देखो 1/2 था और 1/4 बेच दिया, तो 4 × 4 2 × 2 बराबर 4 − 2/4 × 8, तो 4 में से गया 2, तो बचा कितना 2/8, मतलब 2 × 2 2 × 8 1/4 बचा, ठीक है। तो यही तो बचा कि 1/4 जो बचा उसको क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना होता है 0, तो ये वैल्यूज तो आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है तो ये वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी। अब बचा कितना, 2 से 20 कटेगा 10 बार, तो ये 10 आ गया, और 4 × 5 = 20, तो ये कितना आया माइनस का 5, तो 10 − 5 + 0, 10 में से गया 5, तो कितना बचा 5, और 0 जोड़ो तो 0, मतलब 5 आंसर हो गया आपका। तो बताओ मेरे को ये तरीका बेस्ट है या नहीं है, ऐसे ही करना है आपको इस तरह के सवालों को, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आज भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए मैंने, और आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, क्योंकि बहुत कम लोग जुड़े हैं, अभी 3000 ही हुए हैं, ठीक है 3000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें कम से कम 1 लाख लोग तो जुड़े ही जुड़े, क्योंकि कम से कम 1 लाख लोग रोज़ हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो रोज़ के मिला करके भी अगर 1000 लोग जुड़ते हैं ना, तो बहुत कम दिनों में हम 100 दिनों में लगभग हम 1 लाख से ज़्यादा लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इतने लोग आप ऐड हो जाइए, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का ही फ़ायदा है उसमें, ठीक है। आप अपने मैथ्स के डाउट्स पूछ पाएंगे, तो मेरे कमेंट कम आएंगे थोड़े, ठीक है ना, मैं पढ़ नहीं पाता एक्चुअली, क्योंकि कम से कम 80,000 से लोग 1 लाख तक लोग रोज़ देखते हैं हमारी वीडियोज़ को, वो कोई सी भी वीडियो हो सकती है, ठीक है। कम से कम 700 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर दी हमने, तो कोई भी वीडियो कभी भी देख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें 80,000 से 1 लाख व्यूज़ रोज़ मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम पे जो जिनको जुड़ना चाहिए वो लोग नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आप असली मदद आपकी वहीं पे हो पाएगी ना, यहाँ पे तो आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो आप उसमें जुड़ जाइए बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।